बायोलॉजी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेसन नंबर टू टू है ना, लेसन नंबर टू। आज का टॉपिक हमारे पास है कि परागण और निषेचन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। आज हम देखना चाहेंगे कि आखिर परागण में और जो निषेचन होता है उसमें क्या क्या अंतर होता है। पहले तो ये जानो कि जब पराग कोष से पराकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इसको परागण कहते हैं, और जब वर्तिकाग्र से पराकण अंडाशय में पहुंचता है तो इसे निषेचन कहते हैं। ये याद रखना पौधे की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो पढ़े होंगे नर और मादा युग्मक का जब संयुग्मन होता है तो इसे हम लोग निषेचन कहते हैं। ताकि नर मादा के युग्मन का संयुग्मन होता है तभी निषेचन कहेंगे ना। तो नर का है पराकण है ना, और अंडाशय का है मादा है, तभी तो मिल जाते निषेचन। तो पहला तो आप यही बात लिखेंगे, ठीक है, चलो लिख लो। फर्स्ट वाली बात में कि पराकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो पहला अंतर तो लाजवाब है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक पराकण हो जाएगा कि सल्यन को, सल्यन माने मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के सल्यन को निषेचन कहते हैं। दूसरा लिख लेना, या तो पहले तो जान गए परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन, हाँ परागण के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पर परागण के क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ क्रॉस। देखना कि यह दो प्रकार का होता है। अच्छा बायोलॉजी कुछ समझ में आता है ना, बहुत अच्छा बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, मैंने अपना जाने में तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपका मालूम आपको कैसा महसूस होता है। अब यहाँ तो कहेंगे ही घर वाले घर आएंगे। निषेचन भी दो प्रकार का होता है, पढ़े आप याद करिए कौन कौन, निषेचन भी दो प्रकार का होता है, नहीं तो अलग अलग अंतर निकलते हैं। मान लीजिए मैं स्व परागण पर परागण में बाह्य निषेचन, और भी अलग अंतर निषेचन। अब सुनो तीसरा का बात ये हो सकता है कि इसमें माध्यमों की आवश्यकता होती है ना, किसमें पर माने परागण में, हाँ तो परागण के ही रूप पर परागण होता है, आहे में माध्यम को सकता होती है का निषेचन में ना, डायरेक्ट होता है। हाँ तीसरा, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। चौथा लिख लेना कि यह क्रिया बीजांश के बाहर होता है, यह क्रिया
बीजांड के बाहर होता है और यह क्रिया बीजांड के अंदर होता है।